खाने की ऑथेंटिसिटी है ना, ताकि आपको टेस्ट का अंदाजा हो सके ना। इंसान को खाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इन्हें बाइट। ये देखें, ये तोड़ा आपने गाइस, ये रह गई थी केतली, अभी देखेगी। इसमें है चाय, अफगानी चाय, तो अभी इसको रखते हैं। कराची में होता ना, मैं यहीं से यू टर्न लेके वापस चला जाता, क्योंकि इतने का खाना नहीं होता जितने का मोबाइल चल जाता है। काबुली पुलाव, ये देख रहे हैं आप, बीफ का पीस, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखिए, उफ बहुत गर्म है। ऐसे ये सर्व करते हैं, ये सैलेड है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, अनदर व्लॉग। काफी अर्से बाद व्लॉग बन रहा है, कहाँ से, रियाद से। एक्चुअली मैं गया हुआ था पाकिस्तान, तो बस उस वजह से कुछ काम थे, तो आके यहाँ पे जो है ना, कुछ ज़रा फूड की क्रेविंग हो रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। कौन सा फूड, रोड जो है ना बड़ी, फूड जो है ज़रा अफगानी पुलाव का प्लान बन रहा है, तो आपको लेके चलता हूँ, ज़रा दिखाता हूँ। कुछ स्पेशल ग्रिल्स हैं और काबुली पुलाव अफगानी स्टाइल का, तो उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सेटिंग माहौल है और क्या खाने पीने का यहाँ पे। वैसे बीइंग ऑनेस्ट, मैं गया हुआ था पाकिस्तान, अदर देन होम फूड मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। लाइक आप खाओ भी तो पेट में अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है, तो भाई मुझे तो अब पाक लग रहा है पाकिस्तान का, कराची का स्पेशली फूड कोई ख़ास पसंद नहीं आया। हाँ, अलबत्ता यहाँ सऊदी अरेबिया का माइंड ब्लोइंग। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और अभी इवनिंग हो रही है, मतलब मगरिब का टाइम हो चुका है। तो सऊदी अरेबिया में बैक टू पवेलियन। बाकी ये जिधर जा रहे हैं, ये ज़रा इलाका कोई पठानों टाइप का इलाका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कार में बैठ के खाना पड़ेगा, इधर फैमिली सेटिंग नहीं है। लेकिन मैंने पहले फ्रेंड्स के साथ ट्राई किया हुआ है, रियली टेस्ट इज फैंटास्टिक। और अभी तक तो रोड थोड़ी खाली मिल रही है, बाकी ये कि अब रियाद में काफ़ी कैमरे लग चुके हैं, सो ड्राइव करते हुए बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इंसान को खाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देख रहे हैं आप कितना सन्नाटे वाला एरिया है और कितना सुनसान है। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं अभी कराची में होता ना, मैं यहीं से यू टर्न लेके वापस चला जाता, क्योंकि इतने का खाना नहीं होता जितने का मोबाइल चल जाता है। ये भी एक चीज़ है, देखिए भाई जा रहे हैं अपनी दुनिया में मगन है, इनको डर नहीं है कि इन्होंने मेरा मोबाइल छीनना है ये वो, तो ये चीज़ें भी हैं आप देख रहे हैं। तो आज जो है ऑथेंटिक अफगानी टेस्ट जो है ना, वो ज़रा ट्राई कराते हैं आप लोगों को। और अगर चैनल पे नए हैं तो गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ये देखें कैसा सन्नाटे वाला एरिया है। वैसे मैं पाकिस्तान कराची से कंपेयर नहीं करता चीज़ों को, लेकिन मैं अभी आया हूँ रिसेंटली पाकिस्तान से, तो इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है दोनों। एनीवे दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, रश कोई ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया अंदर बैठने का तो सेटअप नहीं है फैमिली के साथ, क्योंकि मैं तो आया फैमिली के साथ, तो अंदर आपको लेकिन विजुअल्स चेक करा दूंगा जो खाने की ऑथेंटिसिटी है ना, ताकि आपको टेस्ट का अंदाज़ा हो सके। अच्छा जी, ये जगह है, ये देखेंगे, मैं अब अंदर जा रहा हूँ, गोरे शोरे भी आए हैं खाने। ये देखिए, ये बन रहा है पुलाव। रेस्टोरेंट ये ऐसी है ज़रा छोटा सा, और ये अगर हम लोग दोस्तों के साथ आते हैं तो यहाँ पे ये बैठते हैं, ये जैसे सारे बैठे हैं खान भाई हमारे। अफगानी चाय का भी सेटअप है, ये भी आएगी हमारे लिए, कार में सर्व करेंगे। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने दे दिया अपना बिल और वो कार में ला के सर्व कर देंगे। उसने मुझे कहा है कि 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो ग्रिल जो है सीख में उसमें टाइम लगता है। तो अभी बैठ गया हूँ, वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा अंदर अपने सामने ही ज़रा देख लूँ ना कैसे बन रहा है, फ्रेश चाहिए। तो वेट करते हैं और फिर जैसे ही आता है बताते हैं। देखिए ऐसे ही सर्व करते हैं, ये सैलेड है और ये आगे मेरी सीख है।
रूहानी खानों का फ़ायदा ये है कि इसमें स्पाइसेस कम होते हैं और डाइजेस्टिव और कोई आपको एसिडिटी कोई इशू नहीं होता, इस मसाले जो है ना थोड़े कम होते हैं, तो इसलिए इतना दूर आना पड़ा। इनफैक्ट टेस्ट है बढ़ती है, आप लोग भी ट्राई करेंगा, मैं लोकेशन डाल दूंगा कमेंट्स में, तो फील फ्री टू विजिट। ऑर्डर मैंने किया और रेडी हो गया, ये देखा फ्लावर ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये भाई लेके आ रहे हैं, ले आओ ले आओ। ये मेन्यू है आप देख लें, सैलेड, बीफ पुलाव, काबली और ये ग्रिल कोयले में, ड्रिंक्स हैं, लबन है और सैलेड और ये रोटी जो है ना इसका मज़ा ही और है। सो गाइस ये आ चुका है काबली पुलाव, ये देख रहे हैं आप बीफ का पीस, क्या बात है भाई क्या बात है, ये देखिए उफ बहुत गर्म है। और मज़े का आइटम ये मैंने सीख कम दिए क्योंकि मेरा बीफ खाने का मूड था, और ये देखिए कैसा गर्म गर्म बोटी, और ये गई मुँह पे, कोयले का मज़ा, और ये सैलेड मज़े की जो है ना, कोल्ड ड्रिंक और वो है। सो गाइस अब मैं खाता हूँ और अभी कश्मीरी चाय भी आएगी, वो पी के फिर आपसे बात करते हैं और फर्दर। गाइस ये रह गई थी केतली, अभी देखे गया, इसमें है चाय अफगानी चाय, तो अभी इसको रखते हैं और ट्राई करते हैं। एक सेकंड आपको दिखाएं, पहले एक सिप लेता हूँ इसकी कैसी है, क्या बात है जी, हाय 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 हाय, क्या अफगानी है, जरा लेते हैं सिप और फिर स्टार्ट करते हैं खाना है बाइट। ये देखें ये तोड़ा आपने, और ये मैं लूंगा सैलेड के साथ, बेहतरीन, मस्ट ट्राई विजिट है। चले मैं आप खाता हूँ एंजॉय करता हूँ, एक दफा आपको फिर दिखा दूँ। ये मेन्यू है जो ऑर्डर किया, ये बीफ पुलाव है, ये आपकी सैलेड्स हैं, ये अफगानी टी मैंने इसमें निकाली हुई है, बाकी ये सीख है, तो मिलते हैं बाकी। ये देख लें उनकी जो मज़े की है ना, ये रोटी भी बहुत ज़बरदस्त है, देख रहे हैं आप ये रोटी और ये सलाख सीख जिसको कहते हैं, चले आप खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना हो गया है, मज़ा आ गया, अब निकल चुके हैं, सो यस दैट्स व्हाट इट इज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, और अगर चैनल पे नए हैं तो यू नो व्हाट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर लव्ड वन, टेक केयर, सी यू।